नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था फिल्म्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिल्म गदर के उस छोटे बच्चे की कहानी जिसने सनी देओल के लड़के का किरदार निभाया था। इनका नाम था उत्कर्ष शर्मा, जो कि जाने माने निर्देशक अनिल शर्मा के बेटे हैं। 2018 में आई फिल्म जीनियस से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं। हालांकि उत्कर्ष शर्मा की बॉलीवुड में लीड रोल में ये पहली फिल्म है, लेकिन दोस्तों बॉलीवुड की ये पहली फिल्म नहीं है जिसमें उत्कर्ष ने काम किया हो। उत्कर्ष ने सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा में एक छोटे लड़के का किरदार निभाया था, जो कि सनी देओल का पुत्र होता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उत्कर्ष शर्मा के जीवन की तरफ। इनका जन्म हुआ 22 मई 1994 को मुंबई महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम अनिल शर्मा व उत्कर्ष की माता का नाम सुमन शर्मा है, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। उत्कर्ष एक निर्देशक के बेटे थे, तो उनका फिल्मों में आना तय था। उत्कर्ष ने प्रारंभिक शिक्षा जमनाबाई नर्सी स्कूल मुंबई से की। बाद में सिनेमा में स्नातक की पढ़ाई के लिए ये चले गए कैलिफोर्निया। उत्कर्ष का एक्टिंग व डांसिंग का बचपन से ही शौक था, इसलिए इन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर बनाया। इस समय उत्कर्ष शर्मा बॉलीवुड सुपरस्टार हैं, जो कि अपनी फिल्म जीनियस से बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं। ये फिल्म 24 अगस्त 2018 को आई थी। इस फिल्म में इनके साथ इशिता चौहान व एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं। दोस्तों, ये थी कहानी उस नन्हे से कलाकार की जिसने गदर एक प्रेम कथा में एक बच्चे का किरदार निभाया था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास फिल्मी न्यूज़ आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।